हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स, और लास्ट टाइम में हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा डीएल सर्किट के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीटीएल सर्किट, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, और हम स्टार्ट करेंगे और टेबल के लिए, और लॉजिक टेबल बनाएंगे, और उसके लिए सर्किट मैनेजमेंट कैसे होता है देखिए, और कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो सबसे पहले जो डीटीएल सर्किट है, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट, यानी कि जो ऐसा लॉजिक गेट है, ऐसा जो तार्किक द्वार है, उसे बनाने के लिए हम डायोड और ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको इसमें दिख रहा है, डीटीएल सर्किट यानी कि डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। डायोड ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं हम इसके लिए। अगर मैं सबसे पहले ओआर गेट के लिए बनाऊं, ये अगर जो और लॉजिक गेट है उसके लिए हमने टेबल देखी थी कि जो निर्गत है हमें तभी प्राप्त होता था जब कोई एक निवेशी या दोनों निवेशी उच्च होते हैं, यानी कि जब कोई भी एक निवेशी मेरे पास वन होगा तो मेरे को निर्गत में वन प्राप्त होता था। उसके लिए मैं टेबल बना रहा हूं एक बार दोबारा से कि ये मेरा इनपुट और ये मेरा आउटपुट, एक तरफ मैं लेता था ए और एक निवेशी है मेरा बी, ये दो निवेशी हैं। तो इसके लिए मेरे पास जो आउटपुट क्या मिलता था, देखिए हम जब दो निवेशी ए और बी लेते थे तो निवेशी 00, 01, 10 और 11 लेते थे। अब देखिए और गेट में जो निर्गत तभी प्राप्त होता है जब कोई भी एक निवेशी उच्च हो, यानी कि दोनों निवेशी अगर निम्न हैं तो मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो जीरो मिलेगा। तो ये जब दोनों निवेशी निम्न हैं यानी जीरो हैं तो आउटपुट जीरो होगा। इस कंडीशन में दोनों में से कोई सा भी एक निवेशी उच्च है तो मेरे पास आउटपुट वन मिलेगा। ए निवेशी उच्च है आउटपुट ए, दोनों निवेशी उच्च है तो भी आउटपुट वन मिलेगा। अब देखिए सबसे पहले हम इसके लिए जो सर्किट मैनेजमेंट है वो कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, अब तक हमने जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मैनेजमेंट देखा उसमें कि हम जितने रेजिस्टेंस ले रहे थे उतने ही हम डायोड ले रहे थे, तो सेम अरेंजमेंट थोड़ा सा यहाँ रहेगा कि जितने मैं रेजिस्टेंस ले रहा हूँ उतने मैं डायोड ले रहा हूँ। तो यहाँ अगर मैं तीन रेजिस्टेंस ले रहा हूँ तो मैं तीन ही डायोड लूंगा, एक रेजिस्टेंस लिया मैंने तो एक डायोड लिया, ऐसे मैंने दूसरा रेजिस्टेंस लिया एक डायोड और लिया, मैंने एक और मैंने रेजिस्टेंस लिया और एक डायोड और लिया, मैंने तीन रेजिस्टेंस तीन डायोड। ये अब तक हमने ऐसा मैनेजमेंट देखा था इनका कि जितने मैं रेजिस्टेंस ले रहा हूं उतने मैं डायोड ले रहा हूं, और ये डायोड D1, ये डायोड D2, ये डायोड D3, ये मेरा P वाला भाग, ये मेरा N वाला भाग, P वाला भाग N वाला भाग, P वाला भाग ये N वाला भाग, ये मेरा रेजिस्टेंस RS, ये मेरा रेजिस्टेंस RS, ये मेरा रेजिस्टेंस RS। अब देखिए
इसमें थोड़ा सा हम क्या चेंज करेंगे कि जब डीटीएल सर्किट हम बना रहे हैं तो जितने रेजिस्टेंस उतने डायोड लिए मैंने। अब डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट है, तो डायोड जो डीएल सर्किट था वो तो यहाँ तक होता था। अब इसके बीच में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक ट्रांजिस्टर ऐड करेंगे। यानी कि ये तो मेरे जो निवेशी संकेत थे वो होते थे, फर्स्ट जैसे निवेशी संकेत मेरा V1, ऐसे ही जो मेरा सेकेंड निवेशी संकेत है ये मैंने अर्थिंग कर दिया इसको। सेकेंड निवेशी संकेत है वो मेरा V2 होता है, ये इसको अर्थिंग कर दिया। ऐसे ही जो थर्ड निवेशी संकेत होता है वो होता है मेरा V3, इसको भी मैंने अर्थिंग कर दिया। अब यहाँ जो तीनों डायोड थे हम ने डीएल सर्किट में भी देखा, एक उभयनिष्ठ बिंदु ए पे होते थे कनेक्ट, ये उभयनिष्ठ बिंदु ए था और इससे हम जो अब निवेश आ रहा उसको एक ट्रांजिस्टर पे निवेश करते हैं। तो देखिए यहां मैं एक ट्रांजिस्टर ले रहा हूं, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इसमें देखिए क्या होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, ये मेरा कलेक्टर सिरा है, यहाँ ये मेरा इमिटर सिरा है, यानी कि ये मेरी बी संधि, ये सी कलेक्टर, ये बी बेस और ये मेरा इमिटर ई। अब देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर है यानी कि ये पी भाग होगा, वो सॉरी एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये मेरा एन पी एन। अब यहां इसका जो ये भाग है इसको मैं एक रेजिस्टेंस से ऐड कर देता हूं, आर, और इस रेजिस्टेंस को ये जो निर्गत है इसके बीच में एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं और इससे कनेक्ट कर देते हैं। और इधर इसके बीच से मेरे को इस पॉइंट पे मेरे को आउटपुट प्राप्त होगा जो होगा x इक्वल टू, चूंकि ओआर गेट के लिए बना रहे हैं तो इसमें क्या होता है, ए प्लस बी प्राप्त होगा। और यहां जो रेजिस्टेंस मैंने लिया उसको आर ई नाम दे रहा हूं, इस रेजिस्टेंस को आर नाम दे रहा हूं। यहां एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं और इसको हम अर्थ कर देते हैं, ये इसका कंप्लीट सर्किट हो जाता है कि जो उभयनिष्ठ बिंदु है ए वाला उसको हमने ट्रांजिस्टर के जो आधार भाग है बी उससे ऐड कर दिया है, और जो ट्रांजिस्टर परिवृत्त है उसका जो निर्गत सिरा है उससे इसको हमने यहां से एक रेजिस्टेंस के द्वारा ऐड कर दिया, और ट्रांजिस्टर के ये जो इमिटर वाला भाग है इसको मैंने भू संपर्कित कर दिया है। तो देखिए ये तो इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई कि इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो देखिए। ये है आपका डीटीएल सर्किट, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले देखिए कि इसमें जो प्रत्येक निवेशी सिरा है उस पर हमारे पास तीन निवेशी सिरे हैं V1, V2 और V3। तो जो प्रत्येक निवेशी सिरा है उस पर हम निम्न वोल्ट आरोपित करते हैं, इसकी आप लैंग्वेज लिख सकते हैं कि प्रत्येक निवेशी सिरे पर निम्न वोल्टता आरोपित करते हैं।
निम्न वोल्टता आरोपित कर रहे हैं तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो डायोड, तीनों जो डायोड हैं वो पश्चदेशिक अवस्था में जुड़ जाते हैं, और हम जानते हैं कि जो पश्चदेशिक अवस्था होती है उसमें डायोड धारा का चालन नहीं करते। अगर ये पश्चदेशिक अवस्था में होंगे तो डायोड धारा का चालन नहीं करेगा, तो जो उभयनिष्ठ बिंदु है मेरा ए, वहां मेरे को निम्न वोल्टता जीरो प्राप्त होगी। या और अगर निम्न वोल्टता जीरो प्राप्त होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ट्रांजिस्टर मैंने जोड़ा है, जो आधार भाग से कनेक्ट है ये वाला, तो जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ अवस्था यानी कि जो अंतक क्षेत्र में वर्क करेगा, और जो हमें निर्गत प्राप्त होगा यहाँ वो जीरो प्राप्त होगा। अब दूसरा केस ये हम ले सकते हैं कि परिपथ के जो ये निवेशी सिरे हैं V1 V2 V3, या हम उच्च वोल्टता वन आरोपित करें, और अगर हम यहाँ उच्च वोल्टता वन आरोपित करेंगे तो जो डायोड हैं तीनों वो अग्रदेशिक अवस्था में होंगे, और अग्रदेशिक अवस्था में क्या होता है, डायोड धारा का चालन करते हैं, और अगर डायोड धारा का चालन करेंगे तो जो उभयनिष्ठ बिंदु ए ट्रांजिस्टर के आधार भाग से जुड़ा हुआ है उस पर, बिंदु ए पर उच्च वोल्टता हमको प्राप्त होगी, जिसके कारण ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में वर्क करेगा, और हम जानते हैं कि संतृप्त क्षेत्र में हमें निर्गत सिरे पर उच्च वोल्टता वन प्राप्त होगी। तो इसके लिए आप लैंग्वेज लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज इसकी मैं ले रहा हूं, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, प्रत्येक सिरे पर निम्न वोल्टता आरोपित करते हैं, और अगर प्रत्येक सिरे पर निम्न वोल्टता आरोपित करते हैं तो क्या होगा कि ये जो डायोड है ये पश्चदेशिक देशिक अवस्था में होंगे, पश्चदेशिक बायस में होंगे। अगर ये पश्चदेशिक बायस या पश्चदेशिक अवस्था में होंगे तो डायोड पश्चदेशिक अवस्था में क्या करता है, धारा का चालन नहीं करता है, और अगर धारा का चालन नहीं करेगा तो जो उभयनिष्ठ बिंदु मेरा ए है, उभयनिष्ठ बिंदु ए पर निम्न वोल्टता V0, हमने निम्न वोल्टता ली है तो निम्न वोल्टता जीरो प्राप्त होगी, और यह जो निम्न वोल्टता होगी, हमने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था कि जो निम्न वोल्टता जो V0 होती है, सॉरी निम्न वोल्टता जो जीरो, वो ट्रांजिस्टर के लिए जो आधार भाग से कनेक्ट है उस पर यदि निम्न वोल्टता जीरो प्राप्त होगी तो ट्रांजिस्टर है ये कट ऑफ रीजन है, उसमें वर्क करेगा, यानी कि जो ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र उसमें वर्क करेगा। तो अंतक क्षेत्र में हम जानते हैं कि जो निम्न निर्गत वोल्टता है वो हमें जीरो, यानी कि निर्गत सिरे पर जो वोल्टता है वो कैसी होगी, निम्न होगी, निम्न वोल्टता हमें प्राप्त होगी। ऐसे इसका जो दूसरा केस था कि परिपथ का जो प्रत्येक सिरा उस पर हम उच्च वोल्ट आरोपित करें, यानी कि जो निवेशी सिरे हैं वहां पर हम उच्च वोल्ट आरोपित करें, और अगर हम उच्च वोल्ट आरोपित कर रहे हैं
तो डायोड ये अग्रदेशिक अवस्था में या अग्रदेशिक बायस में होंगी, और हम जानते हैं कि अग्रदेशिक बायस या अग्रदेशिक अवस्था में डायोड धारा का चालन करता है, और अगर डायोड धारा का चालन करता है तो जो मेरा उभयनिष्ठ बिंदु ए है, जो यानी कि मेरा बिंदु ए है, उस पर उच्च वोल्टता प्राप्त होगी, उच्च वोल्टता वन प्राप्त होगी। और अगर उच्च वोल्टता वन प्राप्त होगी तो ये ट्रांजिस्टर का जो आधार भाग इससे जुड़ा हुआ है तो वो ट्रांजिस्टर को संतृप्त क्षेत्र में वर्क कराएगा, यानी कि ट्रांजिस्टर मेरा संतृप्त क्षेत्र में वर्क करेगा, और संतृप्त क्षेत्र में वर्क करेगा तो हमें निर्गत पर उच्च वोल्टता प्राप्त होगी। निर्गत पे उच्च वोल्टता हमें प्राप्त होगी। तो जैसा कि हमने और गेट में देखा था कि यदि निवेशी निम्न है तो हमें निर्गत निम्न ही प्राप्त हो रहा था, और जब हमारा निवेशी कोई सा भी एक उच्च होता था तो हमें जो निर्गत है वो उच्च प्राप्त हो रहा था, और ये हमने टेबल से भी देख लिया था। अब हम एंड लॉजिक गेट के लिए देखते हैं, उसके लिए क्या सर्किट होता है। देखिए, जो एंड लॉजिक गेट होता है उसके लिए हमने टेबल बनाई थी कि जो एंड लॉजिक गेट है उसमें हमें निर्गत तभी प्राप्त होता था जब सभी निवेशी उच्च होते थे। तो देखिए, यहाँ दो निवेशी हैं मेरे पास ए बी, और निर्गत जो एक्स से डिनोट कर रहा हूँ वो ए डॉट बी होता था। अब देखिए, अब मेरे पास निवेशी हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जो एंड गेट में क्या होता है, सभी निवेशी यदि उच्च होते हैं तो ही हमें निर्गत प्राप्त होता है, यानी जब ए और बी दोनों उच्च हैं यानी कि वन वन है तो ही निर्गत मिलेगा। अदर कंडीशन में कोई भी एक निवेशी अगर निम्न है तो हमें निर्गत जीरो मिलेगा, कंडीशन हो जाएगी ये। और इसके लिए हम सर्किट मैनेजमेंट देखते हैं कि इसका सर्किट मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या डिफरेंस कर रहे हैं, देखो कि वही तीन मेरे को रेजिस्टेंस लेने हैं, यहां बना देते हैं ये, कि तीन मेरे को रेजिस्टेंस लेने हैं, ये मैंने यहां तीन रेजिस्टेंस ले रहा हूं, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस ले रहा हूं मैं। और हम जानते हैं इसमें कि हर रेजिस्टेंस एक डायोड के साथ होता है। अब जो हमने ओवर गेट के लिए बनाया था उसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। आप ये जो डायोड की डायरेक्शन है वो देख सकते हैं, यहाँ ये चेंज है, ऐसे मैं यहाँ दूसरा रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, ये मेरा दूसरा, ये इसके साथ एक और डायोड, यहां मैं तीसरा रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूं, और हर डायोड के साथ एक रेजिस्टेंस है, यानी कि तीन रेजिस्टेंस तीन डायोड। और वही हम इनको कॉमन कर रहे हैं, एक पॉइंट पे मैंने इनको कॉमन कर दिया। यहां जो निवेशी वोल्टा होती है जो V1 होती है और उसको हम अर्थ कर देते हैं, ऐसे ही जो दूसरा रेजिस्टेंस है उस पर वोल्टता होती है V2, और
यहाँ थर्ड है और इसको भी मैंने अर्थिंग कर दिया। ये प्रतिरोध मेरा आर एस है, ये मेरा प्रतिरोध आर एस है और ये मेरा प्रतिरोध आर एस है। देखिए डायोड है डी वन डी टू डी थ्री, ये पी ये एन। यहाँ जो डायोड हैं जो हमने और गेट में ऐड किए थे उसकी अपोजिट डायरेक्शन। देखो यहाँ मेरा उभयनिष्ठ बिंदु ए होता था, ये उभयनिष्ठ बिंदु ए है, और चूंकि डीटीएल सर्किट है तो ट्रांजिस्टर तो मेरे को ऐड करना है। अब उसमें क्या मैं चेंज करूंगा, ये देखिए ये ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ ऐड कर रहा हूँ, ट्रांजिस्टर मेरा वही है एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ। और यहाँ देखिए ये मेरा ईमीटर है पी, ये मेरा बी और यहाँ मेरा होता है कलेक्टर सी। ट्रांजिस्टर है एनपीएन तो इसे एनपीएन में डिनोट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा कलेक्टर है इससे एक रेजिस्टेंस इस साइड में ऐड कर रहा हूँ, जो वो रेजिस्टेंस ऐड करते थे ये मैंने इस साइड में ऊपर की तरफ ऐड कर दिया। और जो अपने लास्ट बनाया था और गेट के लिए, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि जो ये यहाँ आप देख रहे हैं कलेक्टर है मेरा ये, तो इस पे मैं एक रेजिस्टेंस आर ऐड कर रहा हूँ और इसको मैं एक वोल्टता सोर्स से वीसीसी से ऐड कर देता हूँ। ये आर है, अब ये मेरा यहाँ वोल्टा सोर्स एक वीसीसी है, वीसीसी। और जो मेरा इमिटर है इसको मैं एक रेजिस्टेंस से ऐड करके इसे भी अर्थिंग कर देता हूँ। और यहाँ से मेरे को निर्गत प्राप्त होगा एक्स इक्वल टू ए इंटू बी, और इसका जो दूसरा सिरा है उसको भी हम अर्थिंग कर देते हैं। देखिए ये जो एंड लॉजिक गेट है उसके लिए स्ट्रक्चर हो गया कि वही हमारे पास यहाँ तीन निवेशी हैं वी वन वी टू वी थ्री, और तीन डायोड हैं, और डायोड हैं जो जिनका अरेंजमेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि इस टाइम यहाँ एन सिरा इन निवेशी सिरों से ऐड किया है मैंने। और जो परिपथ है इसमें जो बिंदु ए है उसको मैंने उभयनिष्ठ करके जो डायोड के है पी सिरों से ऐड कर रखा है, और इनका जो उभयनिष्ठ बिंदु ए है वो ट्रांजिस्टर के आधार भाग से मैंने ऐड कर रखा है। और जो इमिटर है इसका उत्सर्जक भाग उसको मैंने भू संपर्कित कर रखा है। अब देखिए इसका वर्किंग क्या होता है कि जब ये निवेशी सिरे हैं मेरे यहाँ, जब मैं निम्न वोल्ट आरोपित करता हूँ तो ये डायोड अग्रदेशिक बायस में जुड़ जाते हैं, और हम जानते हैं कि अग्रदेशिक बायस में जो डायोड होता है वो धारा का क्या करता है, चालन करता है। लेकिन अब देखिए यहां मैंने जैसे निम्न वोल्टता आरोपित की, अब यह मैंने निम्न वोल्टता आरोपित की जिसके कारण जो ट्रांजिस्टर होगा वो ट्रांजिस्टर क्या होगा, उस पे यदि मेरे को
निम्न वोल्टता प्राप्त होती है, तो निम्न वोल्टता प्राप्त होगी तो वो अंतक क्षेत्र में वर्क करेगा, और जब अंतक क्षेत्र में वर्क करेगा तो अंतर क्षेत्र में वर्क करने के कारण जो हमें इसका निर्गत है उस पर हमें निम्न वोल्टता प्राप्त होगी। ऐसे ही दूसरा केस हम ये लें कि जो निवेशी हैं उस पर हम उच्च वोल्टता आरोपित करें। अब उच्च वोल्टता आरोपित करने के कारण क्या होगा, उच्च वोल्टता जब हम आरोपित करेंगे तो जो डायोड है पश्चदेशिक अवस्था में जुड़ जाएंगे, और पश्चदेशिक अवस्था में हमें डायोड धारा का चालन नहीं करते हैं, और अगर डायोड धारा का चालन नहीं करेंगे तो जो बिंदु ए है उसमें मेरे को उच्च वोल्टता प्राप्त होगी, और उच्च वोल्टता प्राप्त होगी तो ट्रांजिस्टर है जो संतृप्त क्षेत्र में वर्क करेगा, और संतृप्त क्षेत्र में क्या प्राप्त होती है, हमें उच्च वोल्टता प्राप्त होती है। तो देखिए इसकी हम लैंग्वेज वर्किंग लिख सकते हैं, क्या होती है इसकी वर्किंग, कि जो फर्स्ट है जो इसके निवेशी सिरे हैं उस पर निम्न वोल्टता आरोपित करें, यानी कि निम्न वोल्टता जीरो आरोपित करें। तो यदि हम निम्न वोल्टता जीरो आरोपित करते हैं तो क्या होगा कि जो निम्न वोल्टता मेरे को ट्रांजिस्टर है उसके आधार भाग पर प्राप्त होगी, कि जो ट्रांजिस्टर है उसके आधार भाग पर निम्न वोल्टता प्राप्त होगी, और अगर निम्न वोल्टता प्राप्त हो रही है तो ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में वर्क करेगा, और अगर ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में वर्क करता है तो हमें जो निर्गत सिरा है निर्गत सिरे पर निम्न वोल्टता जीरो प्राप्त होगी, यानी कि जब हमारा निवेशी निम्न है तो हमें जो निर्गत है निम्न प्राप्त होता है। अब दूसरा केस हम ये ले सकते हैं कि जो निवेशी सिरे हैं उस पर हम उच्च वोल्टता आरोपित करें, कि जब निवेशी सिरों पर उच्च वोल्टता आरोपित करें, तो यदि हम निवेशी सिरों पर उच्च वोल्टता आरोपित कर रहे हैं तो जो ट्रांजिस्टर जो डायोड है वो अग्रदेशिक बायस में होंगे, और हमें बिंदु ए पर उच्च वोल्टता प्राप्त होगी, यानी कि जो ट्रांजिस्टर है उसके जो आधार भाग पर यदि हमें उच्च वोल्टता प्राप्त हो रही है तो जो ट्रांजिस्टर है वो संतृप्त क्षेत्र में वर्क करेगा, और संतृप्त क्षेत्र में जब ट्रांजिस्टर वर्क करता है तो हमें निर्गत सिरे पर उच्च वोल्टता प्राप्त होती है, यानी कि वन प्राप्त होता है, यानी कि जो डीटीएल परिपथ था उसके लिए जो हमने एंड लॉजिक गेट की जो ट्रुथ टेबल देखी थी तो ये उसको संतुष्ट करता है कि जब निम्न वोल्टता थी तो हमें आउटपुट निम्न मिल रहा था, और जब सभी जो निवेशी है उस पे उच्च वोल्टता है तो हमें निर्गत वन प्राप्त हो रहा था। तो
आज हम यहीं तक देखेंगे। आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।